कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो चुकी है, जहां एक और अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, वहीं ऑक्सीजन की किल्लत भी आ रही है। इंजेक्शन और टैबलेट के लिए हाहाकार मचा है। वहीं दूसरी ओर आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक के चिकित्सकों का मानना है कि कोरोना वायरस का इलाज आयुर्वेद में होम्योपैथिक के द्वारा भी सुचारू रूप से किया जा सकता है, जिसमें घर पर आइसोलेटेड रहकर ही मरीज इन दवाइयों का सेवन कर कोरोना से लड़ सकता है। दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजना शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद की दवा के द्वारा कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज ठीक हो रहे हैं। आहार अच्छा रखो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, नींद अच्छी लो, ताजा भोजन करो, और खांसी जुकाम के साथ साथ क्या है कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, इसमें देखा जा रहा है कि कईयों को उल्टी दस्त भी हो रहा है। तो उल्टी दस्त इस मौसम में वैसे भी होता है, जैसे आपने कोई गर्म तरबूज ले लिया, उसको खा लिया तो दस्त हो सकती है। हम कहते हैं कि डरो नहीं, हमारे आयुर्वेदिक में कपूर रस है, अमृत धारा है, इसको पानी में मिला के, पताशे में मिला के आप लीजिए और घर पे अलग कमरे में सेपरेट हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी श्वास की दिक्कत आ रही है, तो आप कपूर की गोली को रुमाल में रख के या अमृत धारा की एक दो बूंद रुमाल में डाल के उसको धीरे धीरे सूंघिए। इसके अलावा अजवाइन होती है, अजवाइन को कपूर मिला के पोटली बना लो और थोड़ा थोड़ा सूंघते रहो, इससे सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो आपकी दूर हो जाएगी। क्या सामान्य इंसान भी इस प्रक्रिया को कर सकता है? बिल्कुल सर, सामान्य इंसान को भी ये करना चाहिए, क्योंकि ये जो इसका वायरस है, दूसरी लहर चल रही है कोरोना की, ये हवा में विचरण कर रहा है। तो क्योंकि हर प्राणी को सांस लेना है, तो हम कहते हैं कि आप इसको चाहे खांसी जुकाम नहीं हो तो भी सेफ्टी के हिसाब से आप लीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, और कर सकें तो सिंपल सा जो हमारे रसोई में सामान है, दालचीनी है, तुलसी है, अदरक है, गिलोय का टुकड़ा डाल लो अंगूठे के बराबर का, और काढ़ा बना के एक गिलास पानी में उबाले, एक कप रह जाए, छान के पी। वही सीनियर होम्योपैथी डॉक्टर बनवारी मित्तल का कहना है कि पिछले एक साल में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज ने होम्योपैथी की दवाई खाई है, वह मरीज करीब 90% ठीक हो चुका है। जो 10% पॉजिटिव मरीज बचे हैं, वे अगर लगातार होम्योपैथी की दवा खा रहे हैं, उन मरीजों को ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और न ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी। इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, आप मास्क पहने, ठीक से मास्क पहने, कोई जगह उसमें बची नहीं रहे अच्छी तरह से। दूसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 गज की दूरी, मतलब 6 या 7 फीट की दूरी आप बनाए रखें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएं, अनावश्यक रूप से लोगों से मिले नहीं, बहुत ज़रूरी काम पे ही आप बाहर निकलें, इस तरह से इससे बचा जा सकता है। होम्योपैथी का जहाँ तक सवाल है, होम्योपैथी में इससे बचाव की कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि आप होम्योपैथिक स्टोर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से ले सकते हैं। उसमें 2 तरह की दवाइयाँ आती है, एक 7 दिन में लेना होता है जिसको 3 दिन तक कंटिन्यू लेके और हर 7 दिन में रिपीट करना होता है। एक दवा आती है जो 15 दिन में एक बार या 20 दिन में एक बार लेनी होती है, वो एक ही खुराक लेनी होती है। उस दवा का यदि आप निरंतर सेवन करते रहें तो इस महामारी से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। पिछले एक साल में हमने देखा है कि जिन्होंने बचाव की दवा खाई है वो 90% लोग सुरक्षित रहे हैं। 10% को यदि पॉजिटिव हुआ भी है तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, उनको एडमिट नहीं होना पड़ा, उनको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ी।